जय भीम नमो बुद्धाय। ये हम एक पहला ब्लॉग बना रहे हैं, बाबा साहब जयंती आ रही है। कल 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्मदिन है। ये हमारा घर है, इस घर को हम थोड़ी सजावट कर रहे हैं ताकि एक दिन पहले, कल टाइम नहीं मिल पाएगा, कल हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। तो आज हम जो है, ये देखिए जो लड़ी लग रही है, ये लड़ी बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी में लगाई जा रही है। और अब हम यहाँ लाइटिंग करेंगे और ये लाइटिंग के झालर एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह मिलते रहिए, बाकी हम काम कर रहे हैं, बाकी बात बाद में। तो अभी हमने ये वाली लाइट लगाई है, ये दोनों ने मिलकर लाइट लगा दी। अब ये वाली लड़ी लगानी है इस तरफ। तो थोड़ा सा मैं गर्मी की वजह से थोड़ा सा लंच टाइम भी होगा, थोड़ा सा खाना ना खा लें, उसके बाद फिर हम ये वाली लाइट लगाएंगे, बाकी मिलते हैं। जैसा कि आज मैंने और मेरे बेटे छोटे यश ने मिल गई ये दीपावली की लाइटिंग वगैरह लगाई है, क्योंकि कल अंबेडकर जयंती है। कल उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे, सुबह अपने घर के अंदर मनाएंगे और उसके बाद दोपहर को 12 बजे करीब कम से कम कच्चा बाग फतेहपुरी पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध विहार है, वहाँ जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएंगे। और उसके बाद 2:30 बजे के बाद हम 26 अलीपुर रोड विधानसभा के सामने, जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, वहाँ जाके एक प्रसाद वितरण का हमारा कार्यक्रम है, वो मनाएंगे। उसके बाद शाम को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अंबेडकर भवन है, जो उन्होंने अपने पैसों से ख़रीदा था, जो 4250 रुपये में उन्होंने 1.5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, जो बाद में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम दान कर दी थी, वहाँ जाके उनका प्रोग्राम शाम को वहाँ बनाएंगे। इसलिए अभी हम ये देख लीजिए लाइटिंग वगैरह करिए और उसके बाद हम सुबह का नज़ारा और दिखाएंगे। अभी तो फूल वूल लगाने बाकी रह गए हैं, ठीक है ना। और दो मेरे बेटे हैं जो और भी गए हुए हैं जिम वगैरह, वो उनसे भी आपका रूबरू बात कुछ बातें कराएंगे। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं।